Nice. एक्सरसाइज की है ये, हमें खाने पीने पे ध्यान देना, एक्सरसाइज की करना, और थोड़ी सी भी अगर परेशानी हो तो आप अच्छे जहां पे भी जा सको नियर वहां पे जाके आप जरूर सजेस्ट करो, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो। तो यही चीजें हैं सर मेरे यहाँ पे कुछ लोग के ऊपर थोड़ा सा पेट। पूरी हिस्ट्री बताओ स्टार्टिंग से लेकर। स्टार्टिंग में मैं पहले एक साल पहले आया था आपके पास, काफी परेशान होके 2-3 महीने फिजियोथेरेपी वगैरह करवा के आया था। तब काफी कुल्लू से स्टार्ट हुआ था दर्द, पहले साइटिका की तरफ जा रहा था, लेकिन बाद में वो चेंज होके कुल्लू पे, दोनों कुल्लू पे आराम से यहाँ पे दर्द होने लगा। उसके बाद ये कमर पे आने लगा, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब ज्यादा दर्द पेन हो गया, मैं चल भी नहीं पा रहा था जब मैं आपके पास आया। उसके बाद चीजें रिकवर हुई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर अभी स्टार्ट हुआ लास्ट 10 आया था, 7-8 विजिट ली थी, फिर मैंने छोड़ के फिर 1-1 महीने के बाद करी, फिर मैं 5 महीने मेरा ऑपरेशन हुआ था पथरी का। उसके बाद मुझे हुआ है 1.5 साल पहले ही, एकदम से थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, फिर वो थोड़े थोड़े से झटके वटके मरवाने के बाद ठीक हो गया। फिर फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी 2-3 महीने में, लगातार 1 महीना वहाँ फिजियोथेरेपी करा। फिर मेरे जीजाजी ने सजेस्ट किया आपको, तब मैं यहाँ पे आया। उस टाइम पे मैं चल भी नहीं पा रहा था, मेरा ये दोनों पूरा हिल गया था शरीर नीचे वाला। पहले हाथ में कंडीशन स्टार्ट हुई, तो ये मेरे पोस्चर की वजह से है, सोने की वजह से, तो थोड़ा सा मैं इसकी एक्सरसाइज वगैरह करने लगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे आने लगा। जैसे ही आने लगा मैं उस तुरंत यहाँ पे आ गया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आके दिखाओ जरूर, मतलब कहीं भी आस पास भी हो, मतलब अच्छे जगह पे जाओ। और दवाइयों से तुम्हें मदद मिली या नहीं मिली? सर दवाइयों से पहले मैंने दवाइयों से दवाई ली नहीं, आपके कहने पे छोड़ दी थी। वैसे मैं पहले मैं MRI वगैरह भी सब कुछ करवाई थी, लेकिन दवाई मैंने ली नहीं। अभी आपने सजेस्ट की थी जो दवाई, वो स्टार्ट करी है, उसमें हाँ काफी हेल्प है मुझे। इजी ब्रेथ आउट, इजी नाइस, टर्न करेंगे मेरी तरफ, करवट लेंगे। अब आपको अगले हफ्ते ही आना है, सैटरडे है ना? ठीक है सर। और अगर फ्री लगे में दिक्कत नहीं तो वो भी बताना, ठीक है? ठीक है सर। 19-20 लगे तभी नेक्स्ट सैटरडे आने की जरूरत हो। और थैंक यू व्यूअर्स, आपने संदीप की स्टोरी सुनी। संदीप की स्टोरी करीब 1.5 साल पुरानी है, जिसमें 9 महीने पहले मेरे पास आना शुरू हुआ। अगर आपके आसपास भी कोई भी है और आप दूर दराज से बहुत सारी जगहों से देखते हैं, तो अपनी दिक्कत प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उन सबको रिप्लाई करने की, जितनी भी सेंसिबल कमेंट्स होंगे जिनको लगता है कि बहुत दिक्कत है, उनको हम इलाज बताने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोग अपने घर से बैठ के कर सकते हैं। और जो आसपास से हो, NCR से, दिल्ली के आसपास से, तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। सवाल कुछ भी हो तो जरूर करना, ना भूलें लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।